हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आज अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। और अब आप लोग बोलोगे कि मैं क्यों नहीं अच्छी हूँ। कल से इतना ज़्यादा जुकाम, खांसी, गला ख़राब, फीवर भी हो गया था, तो कोई वीडियो नहीं बनी थी कल। आज कोई वीडियो नहीं आएगी, मतलब आज तारीख है 21 तारीख को कोई वीडियो नहीं आएगी। ये वीडियो अभी मैंने स्टार्ट की है 12:30 बजे, तो कल तक ये वीडियो आएगी 22 तारीख तक। तो चलिए दिखाती हूँ आज क्या आया है और कहाँ से आया है, कौन लाया है। ये देखिए, ये आई है हरियाणा विदेशी टैलेंट। तो कहाँ गई थी बता, तू ये बता दे। मैं गई थी खाटू श्याम। फिर रात क्यों इला रही है? जय श्री श्याम। और ये वहाँ से मेरे लिए क्या लेके आई है, चलिए देखते हैं। आप लोगों के सामने ही खोलूँगी, ये बैग भर के ले आई है, इसमें देखते हैं क्या क्या सामान है। चल निकाल, खुद ही दिखा। पहले तो खाओ प्रसाद। ये लीजिए, खाटू श्याम जी का प्रसाद खा लीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। और ये हैं खाटू श्याम के मसूर पेड़े। ये भी प्रसाद ही है श्याम जी का, तो पेड़े खा लीजिए। और ये है, और ये गिफ्ट लेके आई है, ये मेरे लिए पहले भी लेके आई थी एक बार, मोर की गर्दन है उसके ऊपर, दिखाऊंगी आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये तो कलश की तरह है, सिंदूरदानी है ये, इसमें हम सिंदूर डाल सकते हैं, इसमें डाल के और पूजा घर में रख लेंगे, ये मुझे अच्छा लगता है, पहले भी है मेरे पास रखा हुआ है सेब वो। और ये जोत है ढकने वाली, ऐसे इसका ये ढक्कन है, ये मस्त है, सबसे अच्छी तो यही लगी मेरे को। आप लोगों को किस किस को बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई इस सब में से, मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट का, बताइएगा। नाजी के लिए लुटिया, चलो वो मेरी लुटिया जो लोटा जो भी बोलेंगे, खराब भी हो गया है थोड़ा सा, चरणामृत जिसमें रखते हैं ना, जब लड्डू गोपाल का स्नान करवा के, और जो उसी वही होता है असली चरणामृत, तो वही होता है जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, और जो बाथटब में जो पानी होता है उसके, उसको मैं रख लेती हूँ उसमें लोटे में, छोटी सी लुटिया है मेरे पास, आप लोगों ने देखी भी होगी, मैंने कई बार दिखाई है वीडियो में, तो उसमें से मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, बाकी जो बचता है उसको मटके में पीने वाले में डाल देती हूँ, फिर अगली बार जब नहाता है तो फिर हो जाता है वो, तो अब मैं उसकी जगह इसको रख लूँगी चेंज करके, ये ले आई है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर वन पे पसंद आई है जोत, और नंबर टू पे ये लुटिया, बाकी प्रसाद तो वो तो भोग है, उसको तो हम खा जाएंगे। आप लोगों को इसमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया एक बार ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का, इंतज़ार रहता है मुझे। चलिए फिर अभी हम पी लेते हैं चाय, ये देखिए विनीता ने चाय बना दी है, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ चाय पी लीजिए, और इसके साथ भी पी लीजिए। इसका चैनल है हरियाणा विदेशी टैलेंट, तो अगर आप लोगों का मन करे तो एक बार जाके विजिट करना, छोटी सी वीडियो भी डाल देना इसमें खाटू श्याम की। तो ठीक है, इससे लेके मैं एक क्लिप डाल दूंगी श्याम जी की, और अगर आप लोगों का मन करे तो एक बार वहाँ जाके विजिट कर लेना, और अगर इसकी वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना, नहीं तो वापस आ जाना खुद करके देखे पर। चलिए अब चाय पी लेते हैं। ये है मोर की गर्दन वाला, मैं कह रही थी इसको हम ज्वेलरी बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इस तरह से हम ज्वेलरी रख सकते हैं छोटी छोटी, और कारीगरी देखिए आप कितनी अच्छी कारीगरी की हुई है इसके ऊपर, ये गणपति जी बनाए हुए हैं बीच में, और यहाँ पे ये शुभ लाभ लिखे हुए हैं, स्वास्तिक बनाया हुआ है, देखिए कितनी गजब है। तो ये देखिए, ये था, ये मैंने बोला था कि दिखाऊंगी आप लोगों को, मैंने दिखा दिया। और चलिए अभी आप सुनिए खाटू श्याम से भजन, और थोड़े दर्शन कर लीजिए।
उसके बाद कुछ और कारीगरी दिखाऊंगी आपको। ये खाटू नरेश की जय, गाना इतना जोर से, लगातार की जय, श्याम सरकार की जय। देखिए बैठ जाइए, बैठ कर कीर्तन का आनंद लीजिए। थोड़ी देर का कीर्तन है, ज्यादा देर का कीर्तन नहीं है, दो तीन भजन सुनाएंगे। मैं मानता हूँ जगह कम है, लेकिन इससे बड़ी जगह मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। जहां बात काटू वाले जामदनी तेरे चल जो हो गया सा, अरे यूपड़ी का छोरा सुन लिया गया, यूपड़ी का छोरा सारा सुनाऊंगा। लेकिन पहले यहां से खाटू धाम से बाबा को अर्जी लगाए कि बाबा मेरा भी छोटा सा घर है, उसमें भी कभी आना। ये सब भजन चलते रहेंगे, आप सुनते रहते, आनंद लेते रहते। सी 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 बैठ जाइए, व्यवस्था बनाइए। देखिए मेरे पास कोई मत आइए, आप सब कुछ जो भी लेकर आए हैं, क्योंकि समय कम है। कहां से आए आप? कानपुर। कानपुर से? अरे मेरी अखियां करे इंतजार, मेरी अखियां, मेरी अखियां करे इंतजार सावेरे। क्या बात है, मेरी अखियाँ तेरे इंतजार सांवरे। तो चलिए ये देखिए, ये भी एक अपने आप में काबिले तारीफ है कारीगरी। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बना रहे हैं ये, और ऐसे ऐसे काफ़ी रंगोलियाँ वहाँ पे बनाते हुए ये लोग जा रहे थे। दो हस्बैंड वाइफ दोनों थे ये, तो ये एक छोटी सी क्लिप वो बना के लाई थी, सिस्टर बोले या फ्रेंड बोले, तो ये उन्होंने मेरे को दी है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ओके बाय बाय।